कस्टमर पूछते हैं बार बार, फोन भी आता है कि कोई सस्ता गाड़ी हो तो हमको बताइए। तो एक वैगनार है हमारे पास, गाड़ियां तो बहुत सारी हैं और इसका प्राइस है मात्र 3 लाख रुपए। मात्र 3 लाख, 3 लाख प्राइस है। और इसका प्राइस जो है मात्र 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख की वैगनार ये वाली, बिल्कुल प्राइस है वो भी हॉट है। अच्छा ठीक है, बता दीजिए। मात्र 5.5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं, आने पे कुछ कम भी करें। 5.5 लाख में 10,000 चली हुई जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अंकित और स्वागत है आप सभी का अम्बे मोटर्स के स्टॉक में। भाई आज नहीं बोलूँगा कि रोमिंग वर्ड चैनल में आपका स्वागत है, सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं अम्बे मोटर्स का स्टॉक, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगी हुई है स्विफ्ट, बाजू में ट्यूवी 300, जिसको मैं कहता हूँ कि भाई अभी बोलेरो नियो का ये ओल्ड वर्जन था। ब्रेजा है, i20 है, बहुत ही कमाल की i20 है भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको क्योंकि मात्र ये गाड़ी शायद से चली हुई है 9 से 10 हज़ार किलोमीटर। देख लीजिएगा वीडियो को, सारा कुछ मैं बता दूंगा। डिज़ायर है, वैगन आर स्टिंगरे है, और उस साइड भी एक गाड़ी लगी हुई है। तो ये सब गाड़ी जो आप देख रहे हो ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हम लोग यहाँ के प्राउड ऑनर मंटू भैया के साथ में। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी दिन हो गया था। हाँ, थोड़ा लेट से वीडियो बना रहे हैं हम लोग। बिल्कुल भैया, आज क्या स्टॉक है और किस तरह की गाड़ी हम लोग आज दिखाने वाले हैं? स्टॉक तो सब होती है हमारे पास, आज थोड़ी छोटी गाड़ियाँ आपको ज़्यादा दिखाएंगे। बिल्कुल भैया, बड़ी गाड़ियाँ भी है, स्कॉर्पियो की सारी मॉडल है हमारे पास, EX, LX, S2 से लेके S10, 11 तक। मतलब स्कॉर्पियो भी चाहिए? हाँ, सारे स्कॉर्पियो है। बिल्कुल 2, 3, 4, 5, 6 सब मिल जाएगा सारा ही। बाकी छोटी गाड़ियां हैं, वैगनार है, डिजायर है, i20 है। हाँ जी, और भी ब्रेजा है, ट्यूबी है, बहुत सारी गाड़ी है, दिखाते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भैया कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वैगनार से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे लगी हुई है वैगनार, पटना नंबर। वैगनार स्टिंगरे है ये। स्टिंगरे है ये, वैगनार का स्टिंगरे मॉडल है। गाड़ी है 2014 का। ठीक है भैया, 27,000-28,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली हुई है। बहुत बढ़िया। गाड़ी का जो प्राइस है वो 3,30,000 रुपए। 3,30,000 में वैगन आर स्टिंगरे 2014 मॉडल। 27,000 किलोमीटर चला हुआ है। फर्स्ट ऑनर है भैया? फर्स्ट ऑनर वैगन आर आपके सामने है, जो कि 2014 का मॉडल है। 27,000 किलोमीटर चला हुआ है। सामने से आप देख लीजिए भाई, मैंने और भी बहुत सारे कलर दिखाया लेकिन स्टिंगरे में व्हाइट मैंने नहीं दिखाया, तो ये व्हाइट कलर में है। पटना नंबर है, भैया ने बता दिया है कि भाई फर्स्ट ऑनर है। बाकी अगर बात करें टायर की कंडीशन की, वो आप देख लीजिए। साथ में इसमें आती है स्टिंगरे में अलॉय व्हील, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और ये है साइड प्रोफाइल। और अगर हम लोग बात करें इसके इंटीरियर की, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चारों पावर विंडो आपको मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम कंपनी वाले ही मिल रहे हैं, और सीट की कंडीशन भी आप लोग देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की सीट की कंडीशन है। बाकी प्राइस आपको पता लगी है भाई, तो फिर से उसे दोहरा के कोई मतलब नहीं है। तो उस प्राइस में ही आपको मिल जाएगी। सामने अगर बात करें उसके जस्ट बाजू में, तो यहाँ पे एक लगा हुआ है BR04 डिजायर व्हाइट कलर की। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल लेते हैं। ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी 2018 का है, VDI मॉडल। VDI है, 18 का मॉडल। ठीक है, प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि अलॉय व्हील अलग से लगा हुआ है इसमें, VDI में, क्योंकि आती नहीं है, अलग से लगवाया हुआ है। हाँ जी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। गाड़ी लगभग 40,000 के आसपास किलोमीटर चला हुआ है। 40,000 के आसपास। प्राइस जो है 6.25 लाख रुपए हम डिमांड कर रहे हैं, आने पे कुछ कम भी करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, 6.25 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, आएंगे तो थोड़ा बहुत जरूर से नेगोशिएट कर देंगे। बाकी ये गाड़ी 2018 की मॉडल है, देख लीजिए भाई सारा कुछ। टायर की कंडीशन की बात करें, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अलॉय व्हील आफ्टर मार्केट लगी हुई है, क्योंकि VDI वेरियंट में नहीं आती है, आपको ही पता होगा ये चीज़। बाकी साइड प्रोफाइल भी आप देख लीजिए भाई, 2018 की डिजायर VDI वेरिएंट, डीजल वेरिएंट है, 20 से ऊपर की माइलेज निकाल देती है। और काफ़ी लोग देखना चाहते हैं इसका इंटीरियर, तो लो भाई हम आपको दिखा दे। पावर विंडो यहाँ पे मिल जाएगा। मैं देखो हमेशा ही भाई कहता हूँ कि मारुति सुजुकी भाई इस चीज़ में मुझे लगता है डोर पैनल में आगे बढ़ी ही नहीं है। डिजायर का देख लो, स्विफ्ट का देख लो, अर्टिगा का देख लो, सेम डोर पैनल आता है। ऐसा लगता है कि एक ही बनाती है, सब पे लगा देती है। बाकी यहाँ पे आते हैं स्टेयरिंग पे, तो स्टेयरिंग पे आपको एयरबैग मिल जाएगा, कुछ कंट्रोल्स मिलेंगे। अगर बात करें म्यूजिक सिस्टम की, कंपनी फिटेड आती है जिसमें ब्लूटूथ अब आने लगा है, पहले VDI में नहीं आता था, तो ये एक अच्छी अपग्रेड है। बाकी यहाँ पे सीट वगैरह की कंडीशन आप देख सकते हो। तो डिजायर है, 6.25 लाख रुपए भैया मांग रहे हैं, कुछ कम भी कर देंगे आप आएंगे तो। और साथ में एक चीज मैं आपके लिए पूछ लेता हूँ भैया, अगर फिनांस पे लेना चाहे तो फिनांस भी करेंगे। आखिरी में हम लोग अच्छे से प्रोसेस पूछ लेंगे। आगे आते हैं भैया, मेरी आज की फेवरेट कार है,
क्या डिटेल है आज की हॉट कार भी यही है, हॉट कार भी कह सकते बिल्कुल। हाँ, इसलिए कह सकते हैं, देखिए गाड़ी है 2016 मॉडल, अच्छा, लेकिन चली हुई है मात्र 10,500 किलोमीटर। भैया एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं यहाँ पे भाइयों के भरोसे के लिए, अगर सर्विस रिकॉर्ड निकलवाना चाहिए बिल्कुल, आपको जैसे निकालना है निकाल लीजिए, ये मतलब फर्स्ट ओनर गाड़ी है और चली हुई मात्र 10,500 किलोमीटर। 10,500 किलोमीटर चली हुई 16 की i20 शायद आपने भी अपने लाइफ में पहली बार देखी होगी, अंबे मोटर में मंटोपिया के स्टॉक यार्ड में लगा हुआ है। ऑनरशिप भी फर्स्ट है, फर्स्ट पेट्रोल है डीजल है? ये पेट्रोल, प्योर पेट्रोल। चलिए प्योर पेट्रोल गाड़ी है, हम लोग प्राइस पे आएंगे, उससे पहले आप देख लीजिए भाई। तो ये i20 एक्टिव है, सारे कुछ आपको इसमें मिल जाते हैं भाई, अगर टायर की कंडीशन की बात करें वो भी आप देख लीजिए। और ये आप देख रहे हैं ये गाड़ी स्टॉक टायर पे, मतलब जो कंपनी से लग के आती है ना वही टायर पे है। साइड प्रोफाइल भी आपके सामने है, जहाँ पे कि आपको साइड मिरर पे इंडिकेटर मिलता है, रूफ रेल मिल जाती है, डोरवाइजर मिलता है। आइए मैं पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये है बैक प्रोफाइल ऑफ i20 एक्टिव, नंबर पटना ही का है, क्रैश गार्ड वगैरह पीछे में सब कुछ लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है। अगर बात करें तो भाई आपको इसमें कैमरा भी मिल जाता है, पार्किंग कैमरा, हर एक चीज़ आपको इसमें मिलती है। और लीजिए भाई कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम लोग चाहेंगे कि आप देख लीजिए, स्टेपनी भी आप देख लीजिए भाई, सब कुछ मतलब एकदम परफेक्ट है, अभी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। क्यों? 10,000 किलोमीटर में कुछ नहीं होता है गाड़ी, बाइक को भी कुछ नहीं होती, कुछ नहीं हो। और ये तो भाई कार है, बाकी आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। तो इसमें अगर बात करें ना, एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि भाई जब हुंडई की कार की अब जब डोर को खोलते हो ना, तो वो भारीपन फील होता है, मतलब बताती है कितनी मजबूत है ये कार। बाकी यहाँ पे पावर विंडो वगैरह सब कुछ मिलेगा, एयरबैग है, कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और बाकी टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं आता है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम ब्लूटूथ इनेबिलिटी के साथ में ड्यूअल टोन के। यहाँ पे आपको सीट भी मिलती है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, सारे आपको डिटेल भी मिल चुका है। मंटू भैया एक चीज रह रहा है, बिल्कुल प्राइस रह रहा है, वो भी हॉट है। अच्छा ठीक है बता दीजिए, मात्र 5.5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं, आने पे कुछ कम भी करें। 5.5 लाख में 10,000 चली हुई जी, 10,000 चली हुई i20 5.5 लाख की ना, आप मुझे दिखा दो दिल्ली में, दिखा दो या फिर दिखा दो कोलकाता में, बाकी कोई स्टेट भाई टक्कर भी नहीं ले पाएगा। देख सकते हो भाई इस तरह की डील आपको अंबे मोटर देती है। अच्छा मैंने काफी बार ये भी कहते हुए सुना है, कमेंट में देखा है कि भाई आप लोग कहते हैं कि भैया आप बाहर से दिखाते हैं, टायर दिखाते हैं, इंटीरियर दिखाते हैं, बॉडी का पेंट वगैरह सारा कुछ दिखाते हैं, इंजन नहीं दिखाते, इंजन क्यों नहीं दिखाते? तो भाई इसके बारे में भैया क्या आप कहेंगे, आज किस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे? इंजन जो नहीं दिखाते हैं उसका कई गो कारण है। बिल्कुल, एक तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा नहीं भैया बहुत लग जाता है, बहुत लगता है, हाँ जी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है बिल्कुल। लेकिन ये जब आप ये बात बोले हैं तो एक गाड़ी का इंजन जरा खोलो जी, बिल्कुल एक बार आपको दिखा दे, हम आपको दिखा देते हैं, आप देखिए, हाँ जी देख लीजिए भैया, बता दीजिए थोड़ा सा, देखिए आप इंजन देखिए, इंजन का कंडीशन एक बार आप देख लीजिए भाई, अच्छे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो हमने दिखाया था 2016 मॉडल i20 नंबर देख लीजिए भाई, इसी गाड़ी के मैं आपको इंजन दिखा दे रहा हूँ, बैटरी देख लीजिए, इंजन देख लीजिए, सारा कुछ 4 सिलेंडर इंजन पे ये भाई चलती है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और सब कुछ नीट एंड क्लीन है, मतलब आप कहीं से भी देखिए, आप यहाँ तक देखिए कि जो स्टिकर्स लगे हैं कागज के अभी तक नहीं गए हैं, कितनी बार गाड़ी धुलाई होगी कि स्टिकर नहीं गया, बिल्कुल भाई। इसी से समझ लीजिए कि गाड़ी क्या चली हुई है, बिल्कुल भाई ये जब कंपनी से लग के आता है स्टिकर वही वाला है, तो कई जगह होगा, वही नहीं कई जगह होगा वो स्टिकर, जैसे तार वार बार बार पर भी रहता है, कहीं कहीं कई जगह होगा वो सब चीज मिलेगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल आप देख सकते हैं भाई, लग रहा है ना, हाँ जी। बाजू में भैया मारुति सुजुकी की आन बान शान ब्रेजा, ब्रेजा क्या डिटेल है? ब्रेजा ये गाड़ी है, जैसे सबसे पहले तो ये 24 नंबर है, पटना का नंबर है बिल्कुल, और ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, गाड़ी 2016 दिसंबर की है, 16 की दिसंबर की, दिसंबर मैंने 24 या 26 दिसंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, 24 या 26 दिसंबर की गाड़ी है बिल्कुल, 2016 की, 16 की है ये, 36,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, हाँ जी, और डीजल है, ZDI है। चलिए तो भाई डीजल में ये सबसे टॉप मॉडल है, ZDI है, ऐसे तो ZDI प्लस भी आता है लेकिन ये भी टॉप मॉडल में कंसीडर होता है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे अलॉय व्हील आपको मिल जाता है, सब कुछ रहता है इसमें, सारा कुछ फीचर सब कुछ है। एक चीज भाई इसमें जो अच्छी है ना कि इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस भाई काफी लोग लेते हैं, गांव देहात में भी लेकर जाते हैं, तो आप बिहार में कहीं से भी हो इस कार को परचेस कीजिए, वो कहते हैं ना कि गड्ढा वगैरह में जब आप कोई गाड़ी जाएगी ना तो किसी तरह की वो घसने की आवाज नहीं आएगी, इसलिए काफी लोग प्रीफर भी करते हैं ब्रेजा को। बाकी इंटीरियर आप देख लीजिए भाई, चारों पावर विंडो आपको मिलेगा, यहाँ पे अगर बात करें एयर बैग मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम भी आपको कंपनी वाली मिलती है, सीट की कंडीशन आप देख सकते हो, तो अच्छी कार है, अगर आप लेना चाहते हैं ना, कहीं पैसा लगाना चाहते हैं कार में, ब्रेजा में लगाइए, निराश नहीं होइएगा। बाकी भैया 2016 के 25-26 दिसंबर का है ये, हाँ 25-26 दिसंबर की गाड़ी है। सबसे बड़ी बात है इस गाड़ी की खासियत ये है
कि माइलेज जो इसका है ना वो बहुत ही अच्छा है, 20-22 का माइलेज देती है गाड़ी। और अब तो नई गाड़ी बंद हो गई, डीजल तो बनती नहीं मारुति में। हाँ जी, इस वजह से इसका डिमांड बहुत है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिमांड है। और मैं कहता हूँ भाई गाड़ी भी बहुत अच्छी है, ऊपर से पटना का नंबर है। प्राइस भी अच्छा सा, एक प्राइस बता दीजिए इस कार का। प्राइस तो वैसे हमने 7 लाख रुपए रखा हुआ है, कुछ कम भी कर देंगे। चलिए 7 लाख रुपए प्राइस कोड की गई है, जो की कोडिंग प्राइस होती है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ कम भी कर देंगे। आपने देख लिया भाई ब्रेजा, उससे भी थोड़ी सी ऊंची गाड़ी चाहिए या फिर बोलेरो नियो का ओल्ड मॉडल चाहिए? ट्यूब ही 300, ये भी टॉप मॉडल है। T8 वाह जी, ठीक है। T8 है, गाड़ी 40-42 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। हाँ जी, और बाकी कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं। तो जहाँ तक प्राइस की बात है तो प्राइस 6 लाख रुपए मांग रहे हैं, कुछ उसमें भी कम करते हैं। कौन से मॉडल है भैया ये? ये 2016 का मॉडल है, भैया ने रेट बता दिया है, उसमें कुछ कम भी कर देंगे। और काफी लोग देखना चाहते हैं भाई टायर, यहीं से आप देखिए इसकी कंडीशन कितनी ब्रांड न्यू कंडीशन की टायर है। बाकी टॉप एंड मॉडल होने के फायदे ये है कि आपको इसमें अलॉय व्हील मिल जाता है और काफी अच्छी है। अगर साइड से भी आप देखेंगे, मुझे कोई ऐसा काम मेजर नहीं लग रहा है कि इसमें आपको कराना होगा। अगर आप लेकर जाओगे, कोई भी काम आपको गाड़ी में नहीं कराना, कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, सारा अप टू डेट, कोई काम नहीं, होम क्रोम सब लगा हुआ। बाकी अगर बात करें भाई, देख सकते हो पीछे से या फिर पीछे वाली टायर की बात करें वो भी आप देख लीजिए। तो ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, प्राइस भैया ने बता दिया है, ऑन टेबल नेगोशिएट करा लीजिएगा आप लोग। तो हमने ट्यूब भी दिखा दी, हमने ब्रेजा दिखा दिया, हमने आपको डिजायर वैगन आर भी दिखाया है। बाकी भैया इसके भी ना अधूरा है वीडियो, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ, डिजायर देखिए, जब तक मारुति की गाड़ी आप डिजायर और स्विफ्ट नहीं दिखाते हैं, कोई भी हमारा आपका वीडियो अधूरा है। बिल्कुल, तो आ जाते हैं इसके क्या डिटेल होगी भैया। ये सस्ती गाड़ी है हमारे पास। अच्छा, गाड़ी है 2015 का, पेट्रोल गाड़ी है, VXI पेट्रोल गाड़ी, VXI 2015 की है और 32-34 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, मैंने 40 के अंदर ही है। हाँ जी, कैब बैक कैमरा वगैरह सब इसमें लगा हुआ है, फिटेड है सब, अलग से वो तो इसमें आता नहीं है, अलग से फिटेड है। गाड़ी बहुत ही अच्छी, कितने की दे देंगे भैया? 4 लाख रुपए में दे देंगे आपको। 4 लाख रुपए में, चलिए 15 की स्विफ्ट 4 लाख रुपए की आपको मिलेगी। और फिटिंग की अगर बात करें ना भाई, तो ये गाड़ी एकदम सादा आती है, मतलब सादा यू समझिए कि इसमें कुछ भी आता नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें आपको कैमरा वगैरह सब कुछ लगा के मिलेगा। लगा के क्या, लगा हुआ है भाई, इसके लिए भी आपको वेट नहीं करना है। बाकी डोरवाइजर है। हाँ जी बिल्कुल, साइड मिरर पे आप देखिएगा तो इंडिकेटर भी मिलेगा। और बात करें ना इंटीरियर की, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इसका इंटीरियर, इसके लिए भाई मैं थोड़ा सा मारुति से रहता हूँ खफा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे आपको कंट्रोल सारे मिलेंगे भाई। सब सब आप कोई भी गाड़ी इसमें ले लें, मारुति की ब्रेजा ले लें, बिल्कुल ये स्विफ्ट ले लें, वैगन आर ले लें, सब लगभग यही होता है। हमें लगता है यही एक पैनल बनाते हैं। पैनल की बात नहीं है, मारुति करती क्या है, जैसे इंजन की भी बात आप देख लीजिए, जो जो इंजन स्विफ्ट में होता है वही आपको डिजायर में होता है, वही रिट्स में होगा, वही रिट्स में, तो रिट्स तो बंद हो गया। हाँ जी, अब बंद हो गया। वही ब्रेजा में भी वही होता है, ब्रेजा में भी वही है। हाँ, BHP बढ़ जाता है सिर्फ, लेकिन इंजन वही होता है। देख सकते हैं भाई, तो कुछ कुछ नॉलेज वाली बातें भी आपको बता दी जाती है। बाकी भाई देख लीजिए इसका इंटीरियर वगैरह, ये चीज आप देख रहे हो, ये इसलिए लगा है क्योंकि इस गाड़ी में भाई लगे हुए हैं बैक कैमरा। आपको पार्किंग में बहुत सहूलियत मिलती है। बाकी यहाँ पे सीट वगैरह की भी कंडीशन आप देख सकते हैं भाई, कहीं कोई ऐसा कट नहीं है। मैट की बात करें ना, छोटी से छोटी चीज़ है, वो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करा के रखी गई है। और मात्र प्राइस भी रखा गया है 4 लाख रुपए, ऑन टेबल कुछ कम भी कर देंगे। जरूर करेंगे, वो तो हम लोग डिमांड करते हैं ना कि इतना लेंगे, लेकिन कुछ कम करेंगे। चलिए कुछ कम भी कर देंगे, ठीक है भैया। हमने स्विफ्ट दिखा दिया और भी बहुत सारी गाड़ी दिखा दी। एक सस्ती गाड़ी हम लोग दिखा देते हैं, वैगन आर हमारे पास एक है सस्ता, बिल्कुल वो आपको हम दिखाते हैं। कस्टमर पूछते हैं बार बार, फोन भी आता है कि कोई सस्ता गाड़ी हो तो हमको बताइए। तो एक वैगन आर है हमारे पास, गाड़ियाँ तो बहुत सारी है, i20 और है, स्विफ्ट भी डीजल भी है हमारे पास, बिल्कुल इको है, 5 सीटर, देख लीजिए भाई। भैया इको का भी प्रा बता दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आता है। जैसे ये इको जो है ये 2017 का मॉडल है, 17 का है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, 2017 का मॉडल है, ठीक है। और ये दरभंगा का रजिस्ट्रेशन है। हाँ जी, 5 सीटर, AC हीटर सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है जो इसमें आता है 5 सीटर में, वही है, बिल्कुल। और इसका प्राइस है मात्र 3 लाख रुपए, मात्र 3 लाख प्राइस है। उसमें भी कुछ कम करेंगे, उसमें भी कुछ कम करेंगे। और भैया यहाँ पे गेट खोल दे रहे हैं ताकि आप अंदर से भी देख सके, तो देख लीजिए भाई इसका इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे वाली भी सीट आप देख रहे हैं। और बाकी अगर पीछे वाली सीट की बात करें ना, तो ये है इसकी पीछे वाली सीट। तो गाड़ी एकदम फ्रेश है। अगर बात करें सब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी में कहीं कोई काम वाम नहीं कराना आपको। बाकी एसी हीटर इसमें मिल जाएगा, पावर स्टीयरिंग नहीं आती है। नहीं, पावर स्टीयरिंग आती ही नहीं है, बिल्कुल इको में भाई पावर स्टीयरिंग आती ही नहीं है। बाकी देख सकते हैं भाई, ये गाड़ी का भी आपने 3 लाख बताया, 3 लाख। चलिए ठीक है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी 2017 मॉडल, 3 लाख, बहुत बढ़िया, ठीक है। आते भैया इसके वैगन आर दिखा देते हैं हम लोग, सस्ता गाड़ी है ये। गाड़ी है 2011 लास्ट का, 11 के लास्ट का वैगन आर VXI है। गाड़ी में एक पैसे का कोई काम नहीं है, देख के हर तरफ से देख लीजिए, रोम क्रोम सब लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और इसका प्राइस जो है मात्र 2.25 लाख रुपए,
2.25 लाख की वैगन आर। ये वाली वैगन आर आप चाहते हैं मात्र आपको देने होंगे 2.25 लाख रुपए और ये वैगन आर आपकी हो जाएगी। और अगर मैं नंबर प्लेट ना दिखाऊँ ना भाई तो इसकी कंडीशन देख के आप बता नहीं सकेंगे कि कौन से साल की है गाड़ी। लेकिन भाई आपको जैसा कि भैया ने बता दिया 2011 का मॉडल है। भले ही 2011 की VXI वेरियंट है लेकिन इसमें भी आपको पावर विंडो मिल जाएगा, इसमें भी ORVM कंट्रोल मिल जाएगी, इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम कंपनी वाली मिलती है और सीट वगैरह की भी कंडीशन आप देख सकते हो। और एक चीज आप देख रहे हो इसमें चारों जो टायर है भाई आपको ब्रांड न्यू मिलती है और 2.25 लाख रुपए की मिलती है ये कार। तो भाई अगर आप चाहते हैं सेकंड हैंड वैगन आर तो आप इस वाले वैगन आर को लेकर जा सकते हैं, 2.25 लाख रुपए की आपको मिल जाएगी। अंबे मोटर डीलरशिप पे लगी हुई है, नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहां से भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, आप मंटू भैया से सारी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। भैया यहाँ पे और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं अभी? फिर भी लगभग सब गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको, लगभग सारी। स्कॉर्पियो का तो पूरा रेंज है हमारे पास। हाँ जी, बोलेरो तो बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 ही बोलेरो है बिल्कुल, बाकी आपकी छोटी गाड़ियाँ तो इतनी सारी दिखाई हमने। हाँ जी, i10 i20 वैगनार, आपका डस्टर वगैरह भी है हमारे पास, बिल्कुल सारी गाड़ियां मिल जाएंगी। इनोवा है, सारी गाड़ियां हैं, सब मिल जाएंगी। कुल मिला के हर एक गाड़ी आप नाम बोलिए और भैया के पास गाड़ी बिल्कुल भैया स्टॉक है हमारे पास बिल्कुल। हमने भैया शुरू में थोड़ा सा बताया था कि फाइनेंस यहाँ पे हो जाता है, क्या प्रोसेस है भैया? फाइनेंस तो होता ही है। देखिए 2014 के बाद की 2014 से 2022 तक की जो भी गाड़ी होगी उस पर हम फाइनेंस करेंगे, ठीक है। 2012 से 13 वाली गाड़ी, मैंने 12 के पहले वाली तो होगी ही नहीं, 12-13 वाली एक आध साल के लिए हो सकती है, एक आध साल के लिए फाइनेंस हो सकती है। पूरे बिहार में करा रहे हैं? पूरे बिहार, पूरे इंडिया में करा देंगे, बिहार की बात छोड़िए, चलिए पूरे इंडिया में करा देंगे फाइनेंस, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। भैया अंबे मोटर डीलरशिप कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले तो पटना आना होगा आपको, बिल्कुल पटना में बोरिंग रोड चौराहा है। हाँ जी, चौराहा से 50 मीटर की दूरी पे यस बैंक है, उसी के सामने हम हैं, जगदीश लो के पार्ट में। चलिए ठीक है, तो आपको पूरा बता दिया गया, बाकी नंबर दिया होगा, वहां से भी आप कॉल कर सकते हैं। तो मंटू भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सुनकर दिया आपने, थैंक यू। तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉलो कर लेना फेसबुक पेज पे, साथ में हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इसी तरह की कमाल की वीडियो आते रहती है आप लोगों के लिए, आप ही लोगों के लिए भाई मैं वीडियो ट्रैवल कर करके शूट करते रहता हूँ। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग और वीडियो आते रहेगी ऐसी कमाल की। तो बस सर आज के लिए तही रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।